मंत्री अफसर के घर करोड़ों मिला करता था, अब मंत्री के सचिव के नौकर के घर ईडी ने 25 करोड़ रुपए खोज निकाला है। लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड में मंत्रियों के पसीने छूट गए हैं। जैसे ईडी पहुंची रांची, संभलने से पहले खुल गया राज। 10,000 के घूस ने पहुंचाया नौकर के घर के कुबेर के खजाने के पास। हैरानी ये जानकर होगी मंत्री के घर से करोड़ों नहीं मिला है, न ही उनके नौकर के घर से, मंत्री जी के असिस्टेंट के नौकर के घर से 25 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। रांची में इस वक्त तापमान बेहद बढ़ गया है, ईडी तलाशी ले रही है। जिसके मन में चोर और घर में खजाना है, उनके हलक से एक बूंद भी पानी उतर नहीं रहा है। सुबह आंख खुलते ही मंत्री के सचिव के नौकर के घर 25 करोड़ कैश मिलने की खबर आई। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के विकास में भ्रष्टाचार का शक ईडी को था, तो छापेमारी शुरू हुई। अब झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल असिस्टेंट यानी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहायक के घर से ईडी ने 25 करोड़ कैश बरामद किया है। संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर आलम रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू में रहते हैं। उनके इसी आवास से रुपये मिले हैं। जहांगीर आलम के रांची आवास से ईडी को भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। वहीं अब खबर आ रही है नोटों की गिनती 30 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। 30 करोड़ रुपये नगद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े हुए व्यक्ति के पास से मिले हैं। एक नौकर के पास भारी मात्रा में नकदी का होना किसी और ओर संकेत कर रहा है। क्या पहले से ईडी के आने की भनक लग गई थी, जिस वजह से छापेमारी से पहले नोटों को नौकर ने छुपा दिया था? इस नोटों का असली मालिक कौन? फिलहाल ईडी ने आधे दर्जन से अधिक जगहों पर रेड मारा है, जिसमें से आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के यहां से भी भारी मात्रा में नकदी मिली है, जिसकी गिनती कराई जा रही है। ये जांच शुरू कैसे हुई ये भी जानिए। दरअसल मामला 10,000 रुपये के रिश्वत से शुरू हुआ था, जिसके जांच में पता चला कि राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है। इस निशानदेही के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू हुई। ईडी को आलमगीर आलम के नौकरों के बारे में पता चला, जहां छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। बता दें आलमगीर आलम कांग्रेस से चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। वो झारखंड राज्य के संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। आलमगीर आलम वर्तमान में पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर विधायक हैं। उनकी राजनीति वैसे तो झारखंड के बनने से पहले से शुरू हो गई थी। वहीं 2000 में नए नवेले राज्य में वो पहली बार पाकुड़ विधानसभा से विधायक बने थे। इसके बाद वो साल 2004, 2014 और 2019 में भी विधायक बने। अब उनके करीबी के घर से करोड़ों की नकद बरामदी उन्हें मुश्किल में डाल सकती है। फिलहाल ईडी रांची में एक्टिव है, छापेमारी जारी है।